लास्ट वीडियो डाला था डाबर ऑक्सीलाइफ हेयर रिमूवल क्रीम का जो मैंने रिव्यू किया था उसमें बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले कि हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि कौन सा हमें यूज करना चाहिए कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा प्लीज गिव अस अ कंपैरिजन वीडियो सो हेयर आई एम विद अ कंपैरिजन वीडियो प्लीज सी दिस वीडियो टिल द एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लो एंड जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया है उससे ये वाला क्रीम ये वाला क्रीम इज ऑब्वियसली आप सबको पता चल गया है वीट हेयर रिमूवल क्रीम आई डोंट नो व्हाई आई हैव मेड द रिव्यू ऑफ दिस उस टाइम पे जब मैंने आपको रिव्यू बनाया था उस टाइम आई सेड दैट दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड फाइव आउट ऑफ फाइव एंड ऑल दोस थिंग्स बट तब मुझे नहीं मालूम था कि मार्केट में इतने अच्छे अच्छे हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं इसको लगाने के बाद मुझे कोई रेडनेस या फिर इचिंग नहीं हुआ है लेकिन बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि मुझे ये लगाने के बाद उन उनको इचिंग you know, हुआ है रेडनेस हुआ है पिंपल आ गए हैं दाने आ गए हैं सो गाइज आई हैव सीन दैट दिस प्रोडक्ट हैज़ फुल ऑफ केमिकल्स सारे केमिकल्स भरे हुए हैं तो इसीलिए आपको ये पिंपल्स और रैशेज और दाने आ रहे हैं तो आई विल नेवर एवर रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू एनी बडी तो प्लीज गाइज इफ यू आर सींग दिस वीडियो डोंट बाई इट आई नो बहुत सारे वीडियोज हैं इसके ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है इस ब्रांड का कार्तिक आर्यन इज अ ब्रांड एम्बेसडर सो पीपल विल टेन टू बाई इट बट गाइज इससे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में डू ट्राई दैम सेकेंड जो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा है इज दिस वन दिस इज डाबर ऑक्सीलाइफ मेन हेयर रिमूवल क्रीम इसका सब कुछ अच्छा है मतलब आई लाइक इट आई इट इज़ नॉट लाइक दैट आई डेंट लाइक इट बिकॉज ये रिमूव अच्छे से कर देता है आपके बालों को प्लस इसमें नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं जो आपके रेडनेस या रैशेज या फिर इरिटेशन को कम करता है बट जो इसका प्राइस है वो वन फिफ्टी रुपीज़ है फॉर हंड्रेड ग्राम सबसे सस्ता है और सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता है जो केमिकल्स इसके अंदर यूज किए गए हैं वो लो क्वालिटी के केमिकल्स होंगे और लो क्वालिटी के केमिकल्स आपके स्किन को ज़्यादा डैमेज कर सकता है इन अ लॉन्ग रन अफोर्डेबल है आई अंडरस्टैंड अफोर्डेबल बहुत अच्छा है बिकॉज वन फिफ्टी रुपीज़ में आपको हंड्रेड ग्राम मिल रहा है जो कहीं नहीं मिलेगा कर, वीट का भी नहीं इतना सस्ता है लेकिन गाइज इसका जो केमिकल कॉन्टेंट है जो क्वालिटी है वो थोड़ा कमजोर है इसीलिए बार बार लिखा हुआ है कि प्लीज डोंट अप्लाई इट इन योर प्राइवेट पार्ट्स प्लीज डोंट अप्लाई इन इन यून योर प्राइवेट पार्ट्स सो आई थिंक दैट दिस प्रोडक्ट इज गुड बट नॉट सो ग्रेट नॉट सो ग्रेट सो गाइज अब थर्ड नंबर पे मैंने जिसको रखा है वो है ये वाला वी जॉन मास्टर स्ट्रोक होहोबा ऑयल है वैसे इसके थ्री वेरिएंट्स आते हैं होहोबा ऑयल एलोवेरा एंड आर्गन ऑयल तीनों ही रेंजेस अच्छे हैं जो मेरा फेवरेट है वो है आर्गन ऑयल रेंज इसका ये तो मतलब ऐसा है कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग दिस क्रीम ना यू थिंक दैट अपने कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो जो हेयर रिमूवल क्रीम्स का एक पंजेंट सा स्मेल होता है ना बहुत स्ट्रॉग सा स्मेल होता है कि पूरा बाथरूम बहुत ज़्यादा स्मेल करता है आफ्टर यू आर अप्लाइंग दिस ये नहीं होता है और हेयर रिमूवल का काम ही होता है कि आपके बालों को रिमूव करें और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर होगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा लगेगा यार बहुत ज़्यादा केमिकल है जो हम लगा रहे हैं अपने बॉडी पे अपने स्किन पे बट इसका बहुत ही मेडिसिनल सा इसका खुशबू है और इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है और इसको हम प्राइवेट पार्ट्स पे भी लगा सकते हैं मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स को प्राइवेट पार्ट्स पर लगा के देखा है ये जो ये वाला है या फिर ये वाला है इससे आपको रैशेज फिर भी हो सकते हैं लेकिन ये वाले प्रोडक्ट्स को लगाने से आपको कोई रैश नहीं होगा वी जॉन आई थिंक इज गुड और इसका प्राइस पॉइंट भी अगर आप देखें 60 ग्राम का ये जो ट्यूब है ये आपको अराउंड रुपीज हंड्रेड uh, के आसपास आता है इसका यू you नो know, बहुत पहले मैंने इसको बाई किया था हाँ 60 ग्राम का ये ट्यूब है ये आपको हंड्रेड रुपीज में मिलता है तो ओवरऑल इट इज नॉट अ बैड परचेज इट इज अ गुड परचेज अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं हेयर है रिमूवल क्रीम की जर्नी तो आपको वी जॉन से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज ये बहुत माइल्ड है बहुत लाइट है और आपको बहुत पसंद आएगा इसके बाद जो सेकंड नंबर पे मैंने जिसको रखा है वो है ये न्यूड हेयर रिमूवर स्प्रे अगेन इट इज अ स्प्रे नॉट अ क्रीम इट इज नॉट इन दिस लीग बट स्टिल इट हेल्प्स यू टू गेट रिड ऑफ योर ऑफ योर हेयर इसमें कोई भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स नहीं है बट इसके जो क्वालिटी ऑफ द केमिकल्स यूज्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इससे क्या फ़ायदा होता है ना इससे आपके स्किन में रैश रेडनेस नहीं होता है और ये बहुत इजीली रिमूव हो जाता है देखिए मैंने इन सब के पैकेजिंग पे कोई बात नहीं की है पैकेजिंग तो ठीक है बट प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा होना चाहिए तो इसका जो लिक्विड फॉर्म में आता है और वेरी इजी टू अप्लाई मैंने जैसे आपने यूज़ किया ऐसे स्प्रे किया और पूरा गीला हो गया और आपने फिर थोड़ी देर बाद छः सात मिनट बाद आपने शावर चलाया और इससे आपको बाल चले गए तो कोई स्पैचुला की जरूरत नहीं है बहुत इजीली रिमूव हो जाता है प्लस द क्वालिटी इज़ वेरी गुड प्लस वेरी इजी टू हैंडल प्लस मेन एंड वुमेन बोथ यूज़ कर सकते हैं प्राइवेट एरियाज पे इसको यूज़ कर सकते हैं मैंने यूज किया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है लेकिन इसको रिकमेंड नहीं करूंगा मैं कि आप प्राइवेट पार्ट्स पे यूज़ करें बिकॉज इस में सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स हैं लेकिन गुड क्वालिटी केमिकल्स हैं तो आपको अगर यूज़ करना है तो आप एक पैच टेस्ट कर लीजिए थोड़ा सा कहीं पे लगा के आप देख लीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो आप इसको रिमूव कर दीजिए नहीं अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको प्राइवेट पार्ट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं बट आई विल नॉट रिकमेंड बट ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है प्लीज़ टू गिव इट अ चांस एंड बाई इट एंड आई विल रियली रियली थिंक आई एम आई रियली थिंक दैट आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा द नंबर वन प्रोडक्ट विच आई रिकमेंड टू यू इज दिस वन दिस इज ब्रह्मा बुल हेयर रिमूवल क्रीम दिस प्रोडक्ट आई रियली लाइक बिकॉज ये बहुत आसानी से आपको हेयर रिमूव कर देता है प्लस ये प्राइवेट पार्ट्स और सेंसिटिव पार्ट्स पे आप बिना कोई सोच आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज इसके पैकेजिंग में भी लिखा हुआ है दैट यू कैन वीडियोज ऑल्सो इन द कॉपोरेट वीडियोज विच दे हैव वहां पे भी लिखा हुआ है और मैंने भी यूज करके के देखा है आंख बंद करके आप इसको यूज कर सकते हैं अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे एक्सेप्ट दिस फेस एरिया ओके इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है इसका प्राइस 100 एम का प्राइस है रुपीज थ्री नाइन्टी बट द क्वालिटी ऑफ द केमिकल्स द क्वालिटी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इज सुपर कोई इरिटेशन कोई भी रेडनेस कोई भी इचिंग आपको नहीं होगा सो गो हैड विथ दिस अगर मतलब अगर आपको पैसों की प्रॉब्लम है अगर आपको अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है आपको लग रहा है कि 399 का प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते हैं तो क्या करें तो आप क्या कर सकते हैं आप इसको ले सकते हैं वी जॉन का हेयर रिमूवल क्रीम ये अफोर्डेबल भी है सिक्सटी ग्राम का ये जो ट्यूब है ये आपका चल जाएगा मतलब अगर आपने सिर्फ एक जगह हाथों तो में लगाया तो दो तीन बार आप लगा सकते हैं पैरों में लगाया कम से कम आपको एक महीना चल जाएगा थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हुए तो आप ये यूज़ करिए ये सिक्सटी ग्राम का जो ट्यूब है हंड्रेड रुपीज़ में ये यूज़ करिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज अगर आपका बजट बहुत ही लो है तो 150 में आप ये भी यूज़ कर सकते हैं बट रिमेंबर कि इसमें थोड़ा लो क्वालिटी केमिकल्स हैं तो इसको ध्यान से यूज करिएगा पैच टेस्ट करके यूज़ करिएगा और थोड़ा सा इस पर मतलब अगर जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए और उसको हमेशा हाइड्रेटेड रखिए तो ध्यान रखिएगा बट अगर आपको अफोर्डेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे क्वालिटी पर ध्यान देना है और आ, मैं सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट से यूज़ करना चाहता हूँ अपने स्किन के लिए तो दिस इज़ द प्रोडक्ट दिस इज़ वेरी गुड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट इन हेयर रिमूवल क्रीम्स नाओ सो गाइज़ आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा इस वीडियो से कि कौन से प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए कौन से प्रोडक्ट आपको नहीं यूज़ करना चाहिए यू नो दिस वीडियो आई हैव मेड जस्ट बिकॉज टू अवेयर पीपल कि हेयर रिमूवल क्रीम्स आर गुड फॉर योर स्किन बहुत ज़्यादा मिथ है लोगों को कि नहीं, नहीं यूज़ करना चाहिए स्किन uh, खराब हो जाता है इरिटेशन होता है रेडनेस हो जाता है बहुत सारे आपको वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे जिस जो बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं हेयर रिमूवल क्रीम्स को बट ऐसा कुछ नहीं है अगर आपको एक सॉफ्ट स्किन अगर आपको एक क्लीन सॉफ्ट क्लियर स्किन चाहिए तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग हेयर रिमूवल क्रीम्स बिकॉज शेविंग अगर आप करते हैं ट्रिमिंग अगर आप करते हैं तो आपके पूरे बाल उस जगह से कभी नहीं जाते हैं अगर आपको छोटे बाल रखने हैं बहुत छोटे 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 बाल रखने हैं तो यू गो फॉर ट्रिमिंग और शेविंग बट आपको आपको रिमूव करना है बाल उस जगह से कंप्लीटली तो प्लीज़ हेयर रिमूवल क्रीम्स इज़ बेड शेविंग मत करिएगा जितना आप शेव करते हैं आपके स्किन को वो स्किन ज़्यादा रफ होती है और उसमें इरिटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं सो प्लीज़ यूज़ अ हेयर रिमूवल क्रीम प्लीज़ गाइज़ प्लीज़ सो गाइज़ दिस वॉज द वीडियो आई होप यू हैव लाइक टूडेज़ वीडियो यू हैव गॉट एन आइडिया अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोई भी कमेंट आपको मुझे करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू इट आने वाले वीडियोज़ में मैं बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करने वाला हूँ बहुत सारे हेयर रिमूविंग ऑयल्स में अभी ट्राई कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि अगर आप उसको लगाते हैं तो यू नो परमानेंटली आपके हेयर रिमूव हो सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैं ट्राई कर रहा हूँ तो जल्दी वीडियो आने वाला है एंड प्लीज़ गाइज़ अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक तो एक बनता है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू